देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,36,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि कोविड 19 से मरने वालों की संख्या 6,642 फिलहाल हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,14,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए, जो राहत की बात है। और इसी बीच अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो यहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी तक सामने आए हैं। लगातार देश भर में कोरोना का संक्रमण गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,887 नए केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे की अगर बात करें तो 294 लोगों की कोरोना के चलते देश भर से मौत भी दर्ज की गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वंश संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए लगातार जो कोरोना का संकट है वो भारत देश पर गहराता जा रहा है। बात अगर पिछले 24 घंटे की करें तो 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, लगातार हर दिन नया रिकॉर्ड टूट रहा है। जैसे भारत में कहीं ना कहीं लॉकडाउन अनलॉक का जो असर है वो अब दिखने लगा है। लॉकडाउन के दौरान जहां हर दिन 7,000 और 6,000 केसेस आते थे, अब ये आंकड़ा 9,000 से ऊपर लगभग 10,000 पहुंच रहा है। तो ऐसे में काफी गंभीरता से लोगों को कोरोना से बचने के लिए सतर्क रहना होगा, घरों में रहना होगा। दिल्ली में भी 1,330 मामले आए हैं। वही दिल्ली में DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, इसमें 20 जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ में ही अगर दिल्ली में जो तरीबा कला बाजार है, सदर बाजार है, तमाम जो बड़े मेन मार्केट से इनको बंद कर दिया गया, यहाँ पर भी काफी केसेस आए हैं कोरोना के। और खास बात ये कि उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, इसको भी सैटरडे संडे के लिए बंद कर दिया गया है राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि कोरोना के पॉजिटिव मामलों को देखते हुए। जी प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से बेहद संजीदा फिलहाल ये पूरा माहौल है, लॉक का 1 का प्रथम चरण जारी है, तो इसी बीच में केसेस की इतनी ज्यादा संख्या जो बढ़ रही है, क्या सरकार के ध्यान में अभी तक ये चीज आई और उनके द्वारा कुछ कहा गया? क्योंकि काफी ज्यादा क्रूशियल अभी फिलहाल ये टाइम प्रीत हो चला है। बिल्कुल जेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से स्टेप्स उठाए। दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि जनता की ये मांग है कि अनलॉक किया जाए सारी चीजों को, दोबारा से मार्केट खोली जाए। और उन्होंने कहीं ना कहीं जनता से फीडबैक लिया और उसके बाद ये निर्णय लिया था। वही देहरादून में जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनता भी चाहती थी कि केसेस कम हो देहरादून में, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे, बाहर से आने वाले लोग ही लगभग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं 30-40%। ऐसे में देहरादून को सैटरडे संडे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया जा रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं जो निकल करके आ रही हैं सामने। जिस तरीके से गुजरात में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, करीबन 19,000 से ज्यादा केसेस गुजरात में हो गए हैं, तो ऐसे में सरकार, राज्य सरकार वहां पर भी इस तरीके के फैसले ले सकती है, जो लोकल मार्केट है उनको बंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रीत, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में अगर हम देखें तो मरने वालों का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ रहा है। 250 से नीचे एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जब कोई आंकड़ा यहाँ पर नहीं क्रॉस हो। कल भी 294 लोगों की मौत हुई कोरोना के चलते। जी बिल्कुल जेपी, 24 घंटे में 294 लोगों की मौत देश भर में हुई। दिल्ली की बात करें तो